उनकी दादा मरकाम ने कहा था, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, तो हमारा अधिकार है उसको हम भीख में नहीं मांगेंगे, शासन और सत्ता में चढ़ कर लेंगे। दादा मरकाम ने कहा था जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। और वास्तव में जो इस मंडला की धरती से गोवाना राज्य संकल्प यात्रा की शुरुआत गोवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने किया था 2023 में, हम अपने लक्ष्य में रहेंगे साथियों। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमको दिखाई दे रहा है यही मंडला है, यही की कांत माता राज राजेश्वरी का गोंगो करके जिस दिन से हम निकले हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का उफान चालू हो गया है साथियों। और ये संकेत दे रहा है आने वाला 2023 गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का है, गोड़वाना के लोगों का है, गोड़वाना के मूल निवासियों का समय ये 2023 से शुरू होगा, ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथियों बातें बहुत ज्यादा है, समय कम है, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देने के लिए आया हूँ कि बहुत जल्द 9 दिसंबर को इसी मंडला में गोवाना गणतंत्र पार्टी अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी और आने वाला जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसका आगाज इसी गढ़ा मंडला से हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी गोवाना गणतंत्र पार्टी के मेरे जाबाज साथी हैं, इन साथियों से गुजारिश है कि आप लोग गांव गांव गली गली इस संदेश को फैला दो कि 9 दिसंबर को गोवाना गणतंत्र पार्टी का महाजुगान इस गढ़ा मंडला की धरती में गोवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित तुलेश्वर सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में हम करने वाले हैं। और रही बात शासन सत्ता में आने की, तो साथियों आप लोग अपने हौसलों को पस्त मत होने देना, अगर हमारे पुरखा लोग इस गढ़ा मंडला की धरती में बह रहकर 1750 वर्षों तक राज कर सकते हैं तो हम भी उनकी संतान हैं, हमको राजपाट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस जनजाति गौरव संस्कार क्रम जनजाति गौरव सम्मान समारोह का समापन गढ़ा मंडला से किया, हम उसी गढ़ा मंडला से जो गौरव जनजातियों का गौरव है गोड़वाना का गौरव है वो कब बनेगा जब गोड़वाना का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, उनने समापन किया है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। साथियों इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने जो ये खेती किसानी का समय है इस समय को छोड़कर अपना कीमती समय आज गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के इस सभा को दिया है उसके लिए मैं सादर आभारी हूँ। आप लोगों की चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुँचे, साथ ही साथ जो मेरा संदेश है कि हम लोग 9 दिसंबर को गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से इसी मंडला में महाजुगान करने वाले हैं उसमें सभी लोगों को जुटना है। साथियों इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे, जय सेवा जय फलाफेर बना के रहेंगे गोड़वाना, जय सेवा जय फलाफेर बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, हम अपना अधिकार जानते हैं, हम अपना अधिकार जानते हैं, धन्यवाद साथियों। हो गया।